वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। भगवान के हम शरणागत हो रहे हैं, उस शरणागत के लिए विष्णु शास्त्रों में लिखते हैं कि भगवान के शरण हो तो सबसे पहले भगवान के अनुकूलता का ही संकल्प करें, भगवान से विरुद्ध हम न चलें। क्योंकि जिसके शरण होते हैं, जिसका आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, तो उसके प्रतिकूल होने से उनका अवलंबन कैसे होगा। तो भगवान के अनुकूलता का ही संकल्प करेंगे कि भगवान चाहे जैसे हम काम करेंगे, भगवान की आज्ञा, भगवान के मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। और प्रतिकूल क्यों करें, जो प्रतिकूल वो नहीं करेंगे, दोनों मिलकर के एक बात हो जाएगी। मानो जो भगवान निषेध करते हैं वो काम नहीं करेंगे, निषेध करते हैं वो करेंगे। तो भगवान के अनुकूल बनना प्रतिकूल नहीं बनना है, ये बात होती है जो शरणागति होती है। अगर अनुकूल नहीं चले प्रतिकूल चलते रहे तो शरणागति नहीं होगी। इस बात इन दो बात की पहले आवश्यकता है। फिर वो अनुकूल होने से भगवान हमारी जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास होगा। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और परम दयालु हैं,
ये तीन बात भगवान में हमारे विश्वास की हो जाए तो सर्वज्ञ होने के नाते हमारी अवस्था को जानते हैं और हमारी कमी है उसमें दयालु होने से पूर्ति करेंगे और पूर्ति करने की सामर्थ्य होने से सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हमारी पूर्ति करेंगे। तो दयालु है और सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। इसमें समर्थ हो और दयालु नहीं हो तो हमारे क्या काम का, समर्थ भी हो दयालु भी हो हमारे दुख को जाने ही नहीं थी क्या पता। तो ये जो विश्वास है भीतर में कि वो दयालु है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, इन बात से रखनी शरीर विश्वास हमारी गुरु रक्षा करेंगे, ये विश्वास हो जाता है। और विश्वास होने से फिर गोपित्व वर्णम तथा उसको स्वीकार कर लें, अब हमारे रक्षा हमारे हैं ऐसा पक्का मान लें, तो रक्षा करने वाला है एक बार हमारे घर में भगवान है। जैसे मीनू भाई ने कह दिया मेरे तो गिर धरू उपार कोई जाके फिर मगर गुरु मेरे पति सोई, ऐसे भगवान का संबंध जोड़ दिया और संबंध के बाद भगवान रक्षा करेंगे। अपनी चीज को हरेक ठीक रखता है तो भगवान के हम हो गए तो भगवान हमारी रक्षा विशेषता से करेंगे। ऐसे जीव मात्र को भगवान ने अपना रखा है, सबकी रक्षा करते हैं, सबका भला हो जैसे ही करते हैं, भगवान की अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति जीवों के हित के लिए ही भगवान करते हैं। परंतु शरणागत वास्तव उसके भगवान को पहचान लेता है और अपना रक्षक है ऐसा सुन लेता है। तो रक्षक हमारे लिए निर्धक हो जाता है, निशंक हो जाता है, भय रहित हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है साधक। तो वो रक्षा करेगा हमारे किस बात की चिंता, हमारे किस बात का भय है, किस बात का शोक है, हमारे किस बात की कमी है, सब तरह से वो रक्षा करेगा। ये विश्वास करके फिर स्वीकार करें वो रक्षक है हमारा। और आत्मनिक्षेप कार्य बने दो चीज ये है, सब कुछ भगवान ने अर्पण कर दिया, अब रक्षा करना भी हमारी क्या रही, हमारी चीज नहीं रही, कोई भगवान की है, हमारी भक्त को कहलाने वाली कुछ नहीं, सब भगवान की है। अपने अलग रहा ही नहीं, भगवान से अपने को अलग मानता है तो अपनी रक्षा है, अपनी वस्तु है वो अलग मानता है, वो भगवान से अलग मानता ही नहीं, सब कुछ उसे अर्पण कर दिया, रख दिया था और जैसे किसी के पास रखे, इसी तरह से अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये और कुटुम्ब परिवार घर जितने ही है सब के सभी भगवान के अर्पण कर दी। और आत्मनिक्षेप कार्य करने मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रामर जितनी भगवान की है भगवान की करेंगे, अपने में कोई अलग ताकत नहीं, अलग कुछ करने कोई योग्यता नहीं, कोई बल नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई बुद्धि नहीं, ऐसा कोई पद नहीं, ऐसी कोई योग्यता नहीं जिससे हम कुछ अपना कर सकें। हम तो भगवान की अधीन है, सर्वसार भगवान की कृपा से ही हुआ है, हो रहा है और होगा, केवल उनके सन्मुख हो जाए, भगवान के शरण हो जाए तो भगवान विशेषता से काम करेंगे। नहीं तो सामान्य रीति से परम तो सबका ही करते हैं, परंतु शरणागत होता है उसका भगवान के अंदर बार में विशेष आदर है। भगवान कहते मेरी दास पर बड़ी प्रीति रहती है, सब कोई आदमी है कोई भी क्यों न हो उसकी अनुकूल चलता है उस पर वो जारी जाती है, प्रतिकूल चलने वाले की बजाय तो भगवान के संकल्प भगवान के भी अनुकूल करने वाला है, हमारे और कोई अनुकूल तो प्रतिकूलता नहीं है, और किसी ने रक्षा करनी है वो रक्षा करेगा, कुछ रक्षा करे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, और किसी कुछ देना जरूरत नहीं है, और के सामने दीन अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है और वो शरणागति जाते हैं। ऐसे छह प्रकार की शरणागति है, तो
ऐसा होने पर बिल्कुल निश्चिंत निर्भय है, सब कुछ हो जाता है, कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता। ना मरने की ना मरने का भय लगता है, ना जीने की इच्छा होती है, ना करना कुछ बाकी रहता है, ना कुछ पाना बाकी रहता है। करना इतना काम बाकी है, अपना करना है ही नहीं। आज मर जाए तो कुछ करना नहीं है अपना। ऐसे ही मिलने में भी अपने को मिलना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं। अपने तो प्रभु हमारे हैं, वो मिले हुए हैं, उसके सिवा को बढ़िया चीज है ही नहीं। इस रास्ते ना तो कुछ मिल जाए इच्छा रहती है, ना कुछ मिलना करे वो करना बाकी रहता है इच्छा रहती है, और ना मरने का भय रहता है, ना जीने की इच्छा रहती। सर्वथा निर्भय निशंक भगवान की राजी में रहता है, बिखरता है। तो प्रभु के चरणों का शरण लेते ही उसकी बड़ी निखर शक्ति मिलती है, भीतर मन में निखरता आती है। हम भगवान के दूसरी बात ध्यान देने की है कि जीव मात्र उनमें आश्रित रहने की स्वाभाविक एक शक्ति है। किसी न किसी का आश्रय ढूंढता है, मनुष्य का, पशु पक्षी का, वृक्ष का, ये भी कोई न कोई आधार ढूंढते, किसी न किसी का आश्रित रहते। तो परमात्मा की आश्रित न होने से अनेकों की आश्रित होना पड़ता है। धन की आश्रित होना पड़ता है, परिवार की आश्रित होना पड़ता है, अवस्था परिस्थिति की आश्रित होना पड़ता है, देश काल भक्ति व्यक्ति की आश्रित होना पड़ता है। क्यों का सहारा लेते हैं, क्यों का सहारा लेते, सबका सहारा लेने पर काम बनता नहीं। वो कोई भी पूर्ण कार्य सहायता कर दे ऐसे है नहीं। तो सहारा लेने की इसकी स्वतः आदत है, औरों का सहारा लेने से काम बनता नहीं। क्यों का सहारा लेना पड़ेगा, और भगवान का ही सहारा ले लिया जाए तो अपने जो सहारा लेने की आदत है वो सार्थक हो जाए, और दूसरे के सहारे झूठे न रहे। वो एक ही भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सब तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती है, किसी तरह कोई काम रहता ही नहीं रहना। तो भगवान स्वरूप परमात्मा ही है, और उसी के शरण ले लिया फिर अपने लिए कोई काम बाकी नहीं रहा। यह शरण भगवान के हम है, हमारे भगवान है। देखो नहीं जानने पर भी भगवान की तरफ से तो सब जीव भगवान के हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरी संतान है, सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, इस बात से सभी मेरे प्यारे हैं। तो भगवान की तरफ जो प्रियता है ये भजन से जो मान बचा, अब भगत उसको स्वीकार कर ले तो मेरे भगवान है, तो ये स्वीकार करते हुए ठीक हो जाता है। नहीं तो बात यह है कि छोटा तो बड़े के अधीन हो गया, अगर बड़ा नहीं माने तो छोटे केवल के अधीन होने से काम नहीं बनता। पर हमारे यहाँ प्रभु होते हैं तो संपूर्ण जीवों को छोटे बड़े कैसे ही अपना मान लेता है। अब ये जब भगवान के सन्मुख हो जाएगा तो काम बन जाएगा, आधा ही काम करना है। परमात्मा ने तो जीव मात्र को अपना मान रखा है, हम भगवान को अपना मान लें बस, फिर बड़ा भारी लाभ होगा। लाभ के से सदा के लिए मिल जाएगी, जहाँ धन मिलेगा ऐसा काम हो जाएगी, हो जाएगी सदा के साथ। इस बार से भाई आश्रय लेना है तो बड़े का ही लेना चाहिए, मांग ले के आश्रय ले, तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले, शरण हो जाना सीधा रहता है। दूसरी बात एक दीजिए है, तो ये जितनी चीजें मिली है संसार की, ये मिली हुई है विसरने वाली है। ये बात विशेष ध्यान देंगे, अभी भगवान की शरणागति पूर्णता तो भी आती, जितनी चीजें हमारे पास हमारी कल्याण वाली सब मिली हुई, शरीर मिला हुआ है, मन बुद्धि इंद्रिया मिली हुई है, प्राण मिले हुए हैं, कुटुम्ब मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, ये मिला है कहेगा और विसर जाएगा, हमारा रहेगा नहीं। तो उनके साथ मोहित होकर के इनको रखना चाहते हैं, मिट न जाए चिंता करते हैं, तो कोरा दुख दूर बोलेंगे, वो तो मिटेगी, वो तो जाएगी, जाने वाली है।
और आप रहते हो, अभी आप अनुभव कर सकते हो, बचपन से अभी तक आपको वही रह सही बदल गया, देश काल बदल गया, हमारे देश संसार में जितना परिवर्तन हुआ है, ऐसा एक जीवन में परिवर्तन इतना परिवर्तन नहीं है, राज्य के राज्य परिवर्तन कर लिए, विलायतों में कितना परिवर्तन हो गया, स्वभाव लोगों के कितना परिवर्तित हो गया, चाल कैसे बदल गई, क्या चाल की जाति में हो गई, ऐसे परिवर्तन जितना हम लोगों ने देखा है, ऐसा इतिहास में किसी को देखने का मिला नहीं, ऐसा परिवर्तन करके देखा थे, संसार का भरोसा नहीं रखना और भगवान का भरोसा, जान लो पूरे चरणों के चरण हो गया तो सब काम बन जाएगा। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो बोलो। मेरे भाई ने कहा मेरे तुम्हारे को पालन करो न कोई आगे मेरे मेरे पति सो उस प्रभु को अपना स्वीकार करें। सच्ची बात है, गलती हुई कि संसार को अपना मानते हैं, और फिर जिसने संसार दिया उसको तो अपना मानते नहीं, जीव जीव अपनी मानते, वास्तव में तो मिली हुई चीज अपनी नहीं है, वो देने वाला है वो अपना है, अहेतु कृपा करने वाला है तो वो अपना है, अपनी संसार नहीं है, शुद्ध बात यही होनी चाहिए। पर ये हो गया कि संसार को अपना मान लिया, अपना मानने की जगह थी भगवान को तो संसार में रोक ली, वहां तो संसार में आपने लगाई, उनको निमंत्रण देख लिया, अपने भक्ति कर लिया, अब भगवान को कौन देख है, कौन भगवान को चाहे, कहाँ चाहे, मन में तो कनक काम ने आज भोग संग्रह पड़ा हुआ है, दोनों ही गलत आते हैं और क्या। भगवान सच्ची बात यह है, अपना संसार नहीं है, भगवान अपना है। देखो संसार दुख देना भी कहना, उस समय तो संसार अपना नहीं है ये बात दृढ़ कर ले, और अपने कुछ भय लगे संकोच हो क्या होगा क्या नहीं, ऐसा होगा भगवान अपने ऐसा नहीं, जिस समय जैसी वृत्ति हो बैठा कर ले, तो बात दोनों ठीक है, संसार अपना नहीं है भगवान अपना है, पर मनुष्य जो नहीं है उसको उपासन करने में बात नहीं मानता है उसे लेने में बात नहीं मानता, और बात भी है उसको लेने में है, नहीं है लेने लेने क्या बात भी है, आज उनके नहीं है कल हो गए तो भी चले गए, चीजें हो गई चलेगी नष्ट हो गई, प्रभु अपना है संसार अपना नहीं, भगवान के चरणों का शरण हो जाए। साधक सन्मुख होना काम तो है साधक का, पूर्ण काम करना है भगवान का, ये पूछते हैं कि शरणागत होना ये साधक का काम है भगवान का है, तो भगवान की तरफ सन्मुख होना काम तो है भगत का, फिर वो पूर्ण करना काम है भगवान का, कारण क्या है कि भगवान की अपनी तरफ से तो कृपा करते ही रहते हैं निरंतर, यही भगवान से विमुख हो गया संसार के सन्मुख हो गया, तो सन्मुख हो गया संसार के, इस बार से संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होने की जिम्मेवारी इसकी आ गई, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी थी नहीं, संसार को अपना मानता है इस बार से संसार को न मान भगवान को न माने, ये जिम्मेवारी किस जीव की है, अगर संभालेंगे तो नारायण नारायण।